आप देख रहे हैं केवल बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से हम लोग मन लगाकर पढ़ाते हैं और बच्चों को भी सर्वांगीण विकास पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसी क्रम में हम लोग सारे शिक्षक मिलकर सारे एक्टिविटी को करवाया, डांडिया करवाया, झांकी निकलवाया और सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग सभी शिक्षक हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, उन लोग में प्रेम की भावना जगाते हैं और मिलजुल कर रहने की बात पर ध्यान दिलवाते हैं। तो बहुत से स्कूलों में प्रोग्राम होने वाले, लेकिन आज आपने डांडिया वगैरह भी कराया है, उस पर क्या कहना है? ये मेरा विद्यालय का व्यक्तिगत प्रोग्राम है। बच्चों में सामाजिक चेतना, अलग एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए इस तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। मैं इंद्रलोक कुमार, अभी मैं मौजूद हूँ बारूण प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय धनौती धर्मपुरा में और यहाँ पर आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया और बच्चों को भी प्यार आशीर्वाद दिया गया है। आइए हम सर से ही जानेंगे, यहाँ के प्रिंसिपल हैं अरुण सर, उनसे हम जानेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और आज सर के स्कूल में आए हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको केवल सच में भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों का। सर, आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के तमाम शिक्षकों का शुभकामना देता हूँ शिक्षक दिवस के ऊपर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जो कि भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय उपराष्ट्रपति हुए। संघर्षमय जीवन को व्यतीत करते हुए इस महामानव ने 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में शिक्षा का दीप जलाया और देश के उच्चतम पदों को सुशोभित किया। इसलिए मैं उनके चरणों में आज उनके जन्मदिवस पर श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ और तमाम शिक्षक बंधु को शुभकामना देता हूँ और यह अपेक्षा रखता हूँ कि शिक्षक अपने लगन और कर्तव्य पर आगे बढ़ें। मैं अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में जनवरी 2020 में आया, तब से लगातार 3 वर्षों से शिक्षक दिवस के रूप में मैं अपने शिक्षकों को सम्मानित करता हूँ। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चे पढ़ें, लिखें, आगे बढ़ें, हम लोगों से मार्गदर्शन लेते रहें और अपने गांव, घर, परिवार, राज्य और देश का नाम रोशन करें, विभिन्न पदों पर संशोधित है। ये मेरी उनकी शुभकामना। सर, बहुत से स्कूलों में प्रोग्राम होने वाले, लेकिन आज आपने डांडिया वगैरह भी कराया है, उस पर क्या कहना है? ये मेरा विद्यालय का व्यक्तिगत प्रोग्राम है। बच्चों में सामाजिक चेतना, अलग एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए इस तरह से किया। आइए कुछ ऐसे भी और भी शिक्षक लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, क्या नाम है? विजय कुमार सिंह। सर, शिक्षक दिवस है, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे और शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से हम लोग मन लगाकर पढ़ाते हैं और बच्चों को भी सर्वांगीण विकास पर हम लोग ध्यान देते हैं। इसी क्रम में हम लोग सारे शिक्षक मिलकर सारे एक्टिविटी को करवाया, डांडिया करवाया, झांकी निकलवाया और सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग सभी शिक्षक हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, उन लोग में प्रेम की भावना जगाते हैं और मिलजुल कर रहने की बात पर ध्यान दिलवाते हैं, अहिंसा पर ध्यान दिलवाते हैं। सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, यही हम बच्चों को संदेश देना चाहेंगे। आज सभी शिक्षकों को अच्छा द्वारा सम्मानित किया गया है, कैसा लगा?
बहुत बढ़िया, सभी का ये सर का जब से आए हैं तब से इस स्कूल का बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है और हर कार्यक्रम बहुत ही ढंग से मनाया जाता है। और भी सर हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर क्या नाम है? सर आज शिक्षक दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक दिवस स्कूल में राधा सर कवि राधा कृष्णन के जन्म दिन के ऊपर मनाया जाता है। और जब राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति बने तो इन्हें उनके लोग कहे कि आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन अगर मेरा मनाना चाहते हैं तो शिक्षक दिवस के रूप में, क्योंकि हम शिक्षक को सम्मानित करना चाहते थे। ये दिन शिक्षकों के लिए, वो ऐसा सोचते थे कि ऐसा स्थिति करें जिससे शिक्षकों का सम्मान हो, तो शिक्षकों के सम्मान के लिए ही ये तिथि जो है उनके जन्मदिन जो है पाँच सितम्बर को शिक्षक दिवस। क्या कहना चाहेंगे सर शिक्षक दिवस पर? जी शिक्षक दिवस पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत में ही शिक्षक दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, इसमें सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि सही समय से आरत करें और शिक्षक मन से।